नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा, आप सब देखते रहिए भोजपुरी बातें। We'll be right back.
अभी कहने के लिए शादी तो हुई है लेकिन अभी तक मैं यूएस गई नहीं हूँ, तो पहले की तरह ही अकेली रह रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया लाइफ में। खुश हूँ, हमेशा की तरह खुश हूँ, और भी खुश होती अगर मेरे हस्बैंड यहाँ आ पाते। वो मुझे सरप्राइज देना चाह रहे थे यहाँ के, लेकिन उनके बॉस ने रिजाइन कर दिया, तो उनको ही सरप्राइज मिल गया, छुट्टी नहीं मिल पाई। बट ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट बर्थडे तो साथ में ही मनाना है। परमानेंटली तो यूएस में जाना है, बट इन बिटवीन अगर मुझे काम के लिए इंडिया आना पड़े तो उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वहाँ पे हॉलीवुड में भी स्टार्ट करने का मूड है, बट साथ साथ बॉलीवुड में भी काम करें। और क्या कहना चाहेंगे कि कैसा देख रही हैं, मतलब आपके दौर में जो फिल्में आ रही हैं, आपके दौर में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो क्या देख रही हैं काम के हिसाब से, किस तरह का माहौल अच्छा लग रहा है? काम के हिसाब से एक टाइम था जब सिर्फ स्टार कास्ट के नाम पे काम होता था, बट आज की जनरेशन को स्टार कास्ट नहीं चाहिए, उन्हें कॉन्सेप्ट चाहिए। तो इस तरीके का दौर है कि आप नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, तो मेरे माइंड में भी बहुत सारे अभी सब्जेक्ट हैं। बस नई नई शादी है तो थोड़ा सा एक टाइम पीरियड है अभी कुछ स्टार्ट करने के लिए, कुछ नया लेके आएंगे अपना। और एक्टिंग के अलावा अभी तक आप मुझे एज अ सोशल वर्कर जानते थे, एज अ राइटर डायरेक्टर एक्टर स्टूडियो से जानते थे, बट अभी आपके लिए सरप्राइज है कि फर्स्ट टाइम मैंने एज अ बुक राइटर काम किया। मेरी बुक कंप्लीट हो चुकी है, रजिस्टर हो चुकी है, टॉपिक्स मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगी, जिस दिन लॉन्च करेंगे उसी दिन डिस्क्लोज करूँगी। और क्या कहना चाहेंगे, मतलब आपकी कुछ भी जानने वाले हैं बर्थडे में कि किस तरह से देखिए आगे लाइफ को, मतलब कि आपकी जो फैमिली है और कितना गोल्डन लाइफ में चलिए आगे क्या करना है? मेरे फ्यूचर प्लानिंग्स में करियर इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे फैमिली लाइफ ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो लेट्स सी कि मेरी न्यू फैमिली क्या डिसाइड करती है, डिपेंड करता है। सबको यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज आपके जन्मदिन है, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, सबने शुभकामनाएं दी, क्या कहना चाहिए, कितनी खुशी हो रही है, लोगों का प्यार पाकर बहुत खुशी हो रही है। आज बर्थडे की शुरुआत मैंने घर में सत्यनारायण की कथा के साथ की, तो सुबह से ही खुशी भरा माहौल है। आपका ड्रेस ना बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्या डिजाइनर ड्रेस है, क्या थोड़ा बताएंगे? बेसिकली मेरी शादी का ड्रेस है, जब मैंने कोर्ट मैरिज की थी तो इसी ड्रेस में की थी, और ये शादी के बाद मेरा फर्स्ट बर्थडे, इसलिए मैंने शादी का ड्रेस आज पहना। लेकिन बर्थडे तो मनाया गया, आपके हस्बैंड मिस्टर नहीं दिख रहे साथ में। मेरे हस्बैंड मुझे सरप्राइज देना चाह रहे थे इंडिया आके, उनकी बॉस चेंज हो गई तो उनको ही सरप्राइज मिल गया, उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाई, बट वो फिर भी ऑनलाइन मेरे साथ है अभी। कठिन जिंदगी की शुरुआत करने के बाद दादी तक आप पहुंची, आगे क्या प्लान है आपका, क्या करना है, किस तरह कितनी जिंदगी में बदलाव ला रही है? अभी फिलहाल मेरे पास हॉलीवुड के भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, लाइनअप हैं, बॉलीवुड के भी हैं, बट अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है कि यूएस जाने के बाद काम करना है कि नहीं, वो फ्यूचर में डिसाइड होगा। अभी फिलहाल किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं बता दीजिए? फिलहाल मेरी शादी के पहले जो मैं मूवी कर रही थी आई डोंट नो व्हाट इज लव, उसका एक शेड्यूल बाकी है, होपफुली शायद नेक्स्ट 2-3 दिन में हम लोग ऑन फ्लोर जा रहे हैं, तो फिलहाल मैं उसी प्रोजेक्ट में बिजी हूँ। तुमने मनाया कि इंडिया में या लास्ट जन्मदिन आपका मनाया, तो आगे का बर्थडे कहाँ मनाया जाएगा? हस्बैंड के साथ अमेरिका में। इंडियन मीडिया को इनवाइट दी जाएगी? बिल्कुल, एनी टाइम वेलकम। केक बहुत प्यारे लग रहे हैं, डिजाइनिंग किसने किया था इसका? शायद आपको याद होगा कि मेरे पहले पिछले कई बर्थडे में सेम केक आ चुका है। इसका राज क्या है? इसका राज ये है कि अगर आपने नोटिस किया होगा कि हमेशा मेरा केक मेरी ड्रेस के साथ डिजाइन होता है। ओके, काफी लोग मैम आ चुके हैं आपकी पार्टी में, काफी सेलिब्रिटी आ चुके हैं, और भी कुछ नाम अभी आना बाकी है, कैसे करना चाहिए? एक्चुअली बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग यहाँ नहीं हैं, सुनील पाल जी, अवतार गिल, अनिल धवन, एहसान कुरैशी, गुलशन पांडे, सब लोग आज शूट पे हैं, राकेश बेरी भी, तो सब 1-2 दिन के बाद मुंबई में आने वाले हैं। गरीबों के एक्टर के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं? वो भी आज शूट पे हैं भोपाल में, और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक उनकी भी शादी है, तो आपको ज़रूर मिलाएंगे उनसे भी। धन्यवाद।
अभी से देख रहे डांस कर रहे हैं। नहीं, डांस करना मेरा शौक है क्योंकि मैं बेसिकली यहाँ डांसर बनने आया था, लेकिन मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, तो फिर मैंने एक्टर बनने की सोची, तो भी एक्टर बन गया हूँ मैं। तो ये मेरा सौभाग्य कि मैं आज इस बर्थडे में मुझे नेहा मैडम ने बुलाया है, ये मेरी बेटी जैसी है और मैं इसकी शादी में नहीं आ सका था, तो मुझे बड़ा दुख था। तो आज मैंने टाइम निकाल के बर्थडे में आया हूँ, मैंने विश किया इसको हैप्पी बर्थडे नेहा, ऑल द बेस्ट, गुड लक। और अभी इसकी शादी हो गई है तो वो भी बहुत खुशी की बात है, और अपनी तरफ से मैं इसको आशीर्वाद भी देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि ये इसका दाम्पत्य जीवन बहुत खुश रहे, और बर्थडे तो बहुत अच्छा मना ही रहे हम सब लोग यहाँ बड़े आराम से, तो इस तरह से हम बर्थडे मनाते रहें। मेरी तरफ से नेहा को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसके हस्बैंड को भी बहुत शुभकामनाएं। वो शायद अभी अमेरिका में है, वो आ नहीं पाए किसी तरह से, कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन आज वो आने वाले थे बर्थडे में, अगर आज वो आते तो और भी अच्छा होता। एनीवे, नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी उनसे। और नेहा जी, आपको बहुत बहुत आपका बर्थडे मुबारक हो, ऑल द बेस्ट, गुड लक, नमस्कार, थैंक यू। काफी लंबे समय से आप दोनों ने एक साथ फिल्मों में काम किया, जी हाथ में रहे हैं जी, और अब इनकी शादी हो चुकी है, तो कुछ यादें शेयर करना चाहेंगे कि इस बीच में इनका नेचर कैसा रहा, कैसा स्वभाव रहा? अरे नेचर तो बहुत ही अच्छा है नेहा का, इसीलिए ये कामयाब हुई इस लाइन में, इसने फिल्में बनाई हैं, ये खुद प्रोड्यूसर है एक्ट्रेस के साथ साथ, इसने फिल्म बनाई है और सबको साथ लेके चली है ये, और कामयाब है इस प्रोड्यूसर भी एज एन एक्ट्रेस भी, कई फिल्में कर रही है। अभी हमारे वो प्रोड्यूसर साहब बैठे हैं कलीराम तोमर जी, है क्या कलीराम तोमर जी, आइए ना, ये हमको लेके दोनों का, हम लोगों को लेके जो है फिल्म बना रहा है सच की जीत, आइए ना एक मिनट। तो ये हम दोनों उसके मेन आर्टिस्ट हैं, सच की जीत फिल्म स्टार्ट हो रही है बहुत जल्दी, तो नेहा जी और मैं उसमें दोनों ही हैं, और बहुत अच्छी फिल्म बनेगी वो, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी चल रही है, तो हम लोगों का पुराना काफ़ी साथ रहा है और हमने काफ़ी काम भी किया है। ये हमारे कलीराम जी हैं, आ जाओ उधर से आ जाओ, एक कुर्सी और है कि भाई शादी के बाद नेहा जी की लाइन देंगे हम इसको, इसको बॉम्बे आना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में आना पड़ेगा, क्योंकि बॉम्बे वगैरह सवाल ही नहीं है, नेहा हमारी है, पहले जाने के लिए जाओ आओ, लेकिन यहाँ पर भी आओ, यहाँ भी आपके बहुत चाहने वाले हैं। ये हमारे जो है कलीराम तोमर जी हैं, दिल्ली से हैं, ये फिल्म बना रहे हैं सच की जीत, जिसमें मेन एक्टर नेहा बंसल और मैं हूँ रमेश गोयल। तो सर ये बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, इनको भी मेरी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। ये दिल्ली से, ये नेहा बंसल की शादी सगाई में भी दिल्ली से आए हैं, फैमिली आए हैं, इनकी मैम सब आई हैं, बच्चे आए हैं, तो ये बहुत वैल्यूएशन है हम लोगों के। और ये फिल्म आपने बताया कब तक आने का है सर? सर ये प्रोड्यूसर से बात कर लीजिए, प्रोड्यूसर क्या बताना चाहेंगे नेहा जी को, फिल्म में हीरोइन लीड एक्टर रखने का मकसद क्या था और किस तरह की फिल्म होगी? पहले मैं आपकी बात करती हूँ, इससे पहले की भैया जवाब दें, इस मूवी में मैंने लीड करने के लिए खुद ही मना किया था, प्रोडक्शन में ही मैनेज कर रही हूँ, मुझे उसका आइटम सॉन्ग इतना पसंद आया था कि मैंने डिसाइड किया मैं इसमें एज आइटम डांसर काम करूँगी। ये रियल स्टोरी पे है और जो आगे हालात चल रहे हैं उसी पे है, जो भी इसको दर्शक देखेंगे वो सोचेंगे कहानी मेरे पे ही है, अपने पे सोच के चले गए कि ये कहानी मेरे पे बनी है, तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा, पसंद आएगी। अभी ऐड होते आएंगे, अभी तो फिलहाल अभी स्टार्ट है। नेहा जी को उस फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल लेने का कोई मुख्य कारण कोई एक तो अपने अपने कलाकार पुरानी है ना, अपनी अरे बहन है, अपनी छोटी बहन है, तो ये भी कारण है हमारा, तो काम का उनको देखे ना अपने परिवार वालों के, पहले अगर परिवार वाद चल रहा है जितने भी प्रोड्यूसर है अपने परिवार वालों को देखे, बीजेपी परिवार वाद तो माँ बेटे को टिकट दे रहे हो, सनी देओल को हेमा मालिनी को टिकट दिया माँ बेटे को, बहुत चल रहा है, दिल्ली के लीडर भी है पार्टी, बहुत अच्छे कलाकार है, इसलिए हमने फिल्म को लिया है, आइटम सॉन्ग है वो बहुत अच्छा आइटम सॉन्ग है, वो एक फेमस आइटम सॉन्ग फेमस रहेगा वो, तो मेल लेयर इनका है। आज जन्मदिन है तो किस तरह से विश करना चाहेंगे? नहीं, मैं विश ये करना चाहता हूँ कि अपने ये मुंबई को छोड़ कर ना जाए, ये जो इनका प्लान बन रहा कि अमेरिका जाएंगे, उनको अमेरिका से बुलाया ना जाए, यहाँ पे उनको बुलाया, ये फिल्म लाइन में इनकी जरूरत है, इनकी बहुत अच्छे कलाकार है, टैलेंटेड है, ये हर फील्ड में गाना में कलाकार जब दिखाती है, तो हम चाहते हैं कि मुंबई में रहिए, मुंबई छोड़ कर अपने अमेरिका जाए ना, बिल्कुल जाएंगे शालिनी ठाकरे जी ने मुझे मंत्री की अध्यक्ष की पोस्ट
बहुत फ्री थी और मैं बहुत प्राउड से कह रही हूँ मैंने आज तक एक मीटिंग भी अटेंड नहीं की। अच्छा बीजेपी से अगर जो ऑफर आता है तो बीजेपी से अभी आपके बीजेपी अध्यक्ष आए थे बर्थडे पे हैदर आजम जी, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एक भाई के तौर पे और बहुत अच्छे लीडर भी हैं, बट मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। इस बार मुझे हरियाणा से एमएलए की सीट के लिए भी ऑफर था बट मैंने उनको बोल दिया कि मैं डिजर्व नहीं करती, कोई डिजर्व करता तो उसकी सीट मुझे देखे देखना था। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन प्रोडक्शन में फिल्म बनाएंगी है, खुद भी एक्टिंग करेंगी और हमारे साथ में नेता जी सब ये देख रही है। हाँ सब देख रहे हैं और बहुत बढ़िया माहौल है इसमें देश का और बहुत अच्छा हो जाएगा, देश बहुत तरक्की करेगा। हम आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं, जनता जनार्दन की तरफ से भी कहना चाहते हैं कि दूसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी साहब, ये हमारे लिए सौभाग्य, हमारा देश का सौभाग्य। नहीं तो आज देश जिस तरह से खिलाया गया खाया गया और मैं एक बार फिर इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामना, हमारी बहन है ये और मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं शादी में अटेंड नहीं कर पाया लेकिन मुझे पता चला कि बर्थडे है तो कैसा भी आना ही पड़ा सारे काम को बंद करके, क्योंकि पिछले साल हम गांव चले गए थे तो बड़ा बहुत बातें सुननी पड़ी हमको कि आप नहीं आए तो नहीं हम कहें कि आए और बड़ी खुशी हुई कई सब सारे लोग आए हुए हैं, कई लोग आए हुए सारे आप लोग देख ही रहे हैं और मैं एक बार फिर क्योंकि शादी का भी मैं कामना देता हूँ कि हमारे भनोई साहब और आप लोग दाम्पत्य जीवन सुख से बीते और अमेरिका से मैंने उनको देखा भी आए लोग भी हुआ तो बड़ी खुशी है और प्रेजेंट रहे वो मोबाइल वीडियो कॉल के द्वारा। तो वैसे हमारी फिल्म में ये एक आर्टिस्ट नहीं है, मंजिल हाँ पहली मूवी में हिंदी फिल्म थी ढूंढ लेंगे मंजिल इसमें काम की थी और आगे भी हम अगर हम हमारे द्वारा कोई हिंदी फिल्म बनती है तो हम चाहेंगे उसमें मेरा दर्शन रहे और आपके द्वारा कोई बने तो उसमें हमारे कई सारा म्यूजिक हम इनके बनाए हुए हैं। सर आपके मैं किशन भा और मैं निहा बंसल को आज तारीख के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और निहा बंसल एक वन मैन आर्मी है, क्या बात है, बहुत टैलेंटेड, ये जो भी करेगी और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक न एक दिन भले बहुत समय लगे साल लगे ये एक दिन ऑस्कर जीत के लेगी। बस में जो जज्बा है जो हिम्मत है जो करते हैं उनको कुछ करने। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.